कानपुर डॉक्टरों की आड़ में तथा डॉक्टरों के नाम से कंपाउंडर चला रहे हैं डॉक्टरों का नाम लेकर अवैध क्लिनिक। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में बिना डिग्री के न जाने कितने छोटे बड़े हॉस्पिटल तथा छोटे बड़े अवैध आला टांगे डॉक्टरों की चल रही हैं, जो कि मिलीभगत के द्वारा मरीजों को मौत की दवा बांट रही हैं। अगर किसी भी पीड़ित के साथ कोई भी घटना घट जाती है तो कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल सील कर दिए जाते हैं। उसके बाद काउंटर के नीचे से मोटी गड्डी देकर मामले का समझौता कर सील हुए हॉस्पिटल तथा टप्पेबाज डॉक्टरों के क्लिनिक खुल जाते हैं। फिर वहाँ मिली भगत से चंद काले रुपए पैदा करने के लिए मरीजों के साथ खिलवाड़ करना चालू कर देते हैं। मामला कानपुर की यशोदा नगर चौराहे के पास बने डॉक्टर बीपी श्रीवास्तव के क्लिनिक के विमल नाम के कंपाउंडर का है। जैसे ही पत्रकारों के क्लिनिक पहुंचते ही धड़ाधड़ बने इस क्लिनिक के शटर गिरने लगे। मौके पर क्लिनिक में आए कुछ मरीजों से जब पत्रकारों ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि विमल नाम का लड़का लोगों से कम पैसे लेकर उनको दवा देता है और उनके साथ टप्पेबाजी का भी काम करता है। पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछे जाने पर विमल ने मुंह ही घुमाया। अब देखना यह है कि इस क्लिनिक की कड़ी कार्रवाई की जाएगी या नहीं। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता मुकेश कुमार की खास रिपोर्ट। कंपाउंडर क्या नाम है? विमल। विमल वो सिर्फ बीबी श्रीवास्तव का कंपाउंडर है वो? हाँ, उसने क्या किया? इसने हमारे साथ किया कि ये हम आते रहे दवा लेने, तो हम दवा लेने आए तो बोला कि तुम फेस मत दो। हाँ। और हम मैं दवा लिखे दे रहा हूँ, इससे आराम है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर क्या हुआ? हमने कहा चलो ठीक है, आए देखो और फोन पहले करते रहे और वो दोनों नंबर को बंद कर दिया। इस समय आप विमल से बात की, विमल क्या कह रहे हैं? विमल का क्या कहना है? हमारे नंबर नहीं है। अभी तक जो बात हो रही थी वो विमल के नंबर से हो रही थी, विमल की आवाज थी। हाँ, आवाज थी। इस बात की पुष्टि आप करते, आपके अलावा और कौन कर सकता है? बीबी खुद स्वयं बताएगी कि वो विमल की आवाज थी। ठीक है, आगे आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? जो आपके साथ मांग करना चाहते हैं कि ऐसा कोई आदमी ना आप करे, क्योंकि मैं तो गरीब हूँ, कैसे लगाया हूँ, उससे कुछ कह नहीं सकता हूँ, बहुत गरीब हूँ, मगर बीबी के सामने बचाने के लिए हूँ। हर चीज जमीन गिरवी रख के तब दवा कराई है, 40,000-50,000 रुपए लगा दिया। ठीक, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, क्या बात है, क्या प्रकरण है पूरा? कौन भैया है, कौन कर रहा मेरे खिलाफ, कौन ले गया इसका? बेचारे गरीब आदमी है। जी 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 जी। पता नहीं कौन ये सब कर गया इसके साथ। और मेरा वो नंबर नहीं है जो नंबर इनके पास है। अच्छा अच्छा। नंबर भी नहीं मेरे पास है। नंबर को अगर क्राइम सेल SP क्राइम को दिया जाएगा, अगर उसमें सत्यता पाई जाती है तो इस पर क्या सजा दी जाएगी? जो सजा देना दीजिए आप, नंबर पर हमें दिखाइए, पर नंबर जो नंबर दे रहे हैं वो नंबर पे कॉल कर रहे हैं तो उठा नहीं रहा है। अच्छा अच्छा। जहाँ तक कि ये बता रही है, हमारी पत्नी भी बता रही कि अभी तक विमल से बात होती रही है, नहीं सब कुछ ओके था। मैं इनके घर में जा रहा हूँ। अच्छा, मैं इनके घर जा रहा हूँ, छोड़ना इनको। अच्छा अच्छा। घर जा रहा हूँ, इनको छोड़ के आऊँ, मैं उनसे पूछूंगा किस नंबर से बात हो रही थी, क्या नंबर है वो हमें नंबर दीजिए, मैं जाके मैं SSP या कहीं जाके उनको नंबर दूंगा मैं जाके। ठीक ठीक। मेरे नाम से क्यों ऐसा हो रहा है? जी जी जी। ठीक 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 है ना। ओके।